प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप अपने अपने गांव में खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी अपनी उर्दू की किताब निकालें, शाबाश। पेज नंबर 32, पेज नंबर 32, पेंसिल रबर शार्पनर वगैरह भी निकाली, शाबाश। निकाली बच्चों आपने किताब, पेज नंबर 32, शाबाश। आप अपनी किताब की तरफ देखें, आपकी किताब के पेज नंबर 32 के ऊपरी सिरे पर एक बॉक्स बना हुआ है, शाबाश। इस बॉक्स में एक हर्फ लिखा हुआ है और इसके सर पर एक नुक्ता है, इसका नाम आपको पता भी है, इसकी शक्ल भी आपको याद है, शाबाश। ये आपने पढ़ा है, इसकी हम फिर मशक करेंगे, फिर इसको हम दोहराएंगे, पढ़ेंगे, शाबाश। इसका नाम है जाल। क्या है इसका नाम? जाल, शाबाश। इसका नाम है जाल। फिर आप अपनी किताब के पेज पर देखें, यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, शाबाश। छोटे छोटे डब्बे हैं, इन डब्बों में जाल जो है ये सुर्ख हरूफ में लिखा हुआ है यहाँ पे, शाबाश। इसको आप पढ़ेंगे बार बार, इसका नाम याद रखेंगे, इसकी शक्ल याद रखेंगे, शाबाश। जैसे मैं पढ़ूंगा, जाल 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 जाल। इसके बाद ये डब्बे जो है, इनमें जो जाल है ये डॉट्स की शक्ल में लिखा हुआ है, आप अपनी पेंसिल की मदद से, शाबाश, इन डॉट्स को मिलाकर जाल लिखेंगे, शाबाश। जैसे मैं लिखूंगा आप देखें मेरी तरफ, आप भी लिखते जाएं किताब पे पेंसिल की मदद से, शाबाश। ऊपरी सिरे से हम स्टार्ट करेंगे, ये डॉट्स जो हैं यहाँ से हम उनको मिला के जहाँ तक डॉट है वहाँ तक ले जाएंगे, शाबाश। फिर इसके सर पर एक नुक्ता डालेंगे, शाबाश, जवाल। फिर लिखेंगे यहाँ से मिला के यहाँ तक, शाबाश। फिर इसके सर पर एक नुक्ता, शाबाश, जवाल। फिर यहाँ से मिला के, शाबाश, यहाँ तक। फिर इसके सर पर नुक्ता, शाबाश, जवाल। तो प्यारे बच्चों, आप ये पूरा पेज पेंसिल की मदद से लिखेंगे, शाबाश। इसके बाद आप यही पेज अपनी कॉपी पर लिखेंगे, आपके पास कॉपी है बॉक्स वाली, शाबाश। उन बॉक्सेस में आप ये जाल लिखेंगे, उन जाल को याद रखेंगे, शाबाश। इसके बाद अगले पेज पर, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, शाबाश। पेज नंबर 33 के ऊपरी सिरे पर यहाँ अंडे जैसी गोल शक्ल है और इसमें एक हरफ लिखा हुआ है, ये जाल है। क्या है इसका नाम? जाल, शाबाश। फिर जाल के नीचे एक बड़ा सारा बॉक्स है, डब्बा है, और इसमें इसमें बहुत सारी बोरियां हैं, इनमें शाबाश गला है, शाबाश, शाबाश। हाँ, ये जमा करके रखा हुआ है, शाबाश। जाल से जखीरा, जाल से जखीरा। फिर अगला डब्बा है, अगले डब्बे में एक और तस्वीर है, वहाँ तस्वीर में आपको छोटे 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 जर्रे नजर आ रहे हैं, शाबाश। जाल से जर्रे, जाल से जर्रे, जरे कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों को, शाबाश। फिर जाल से हम सब पढ़ेंगे, जाल से लिखो जखीरा, जाल से लिखो जखीरा, जाल से जरे और जर्रा, जाल से जरे और जर्रा। सीखा है सिखाएंगे, सीखा है सिखाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे, शाबाश, गीत खुशी के गाएंगे। फिर एक तालीम, शाबाश,
زال سے لکھو ذخیرہ، زال سے ذرے اور ذرہ، سیکھا ہے سکھائیں گے، گیت خوشی کے گائیں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے گھر پر اچھے طریقے سے دل لگا کے اس کو یاد کرنا ہے، اور جتنا بھی ہم نے سبق پڑھا ہے اس کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ شاباش شاباش۔ اس کے ساتھ یہ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، والسلام۔